रोहित ने लगाया तूफानी शतक। कोहली ने कहा इस खिलाड़ी को ओपनिंग करते देखता हूं तो लगता है नमस्कार। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे अंतिम टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया। रोहित का ये इस श्रृंखला में तीसरा शतक है। इस शतक के साथ ही उन्होंने अपने नाम कई बड़े रिकॉर्ड भी जोड़ लिए। इस मैच में टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते टीम इंडिया पहले तीन विकेट बहुत जल्दी गिर चुके थे। हालांकि इसके बाद रोहित शर्मा ने एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश कर संभली शुरुआत दी। रोहित ने इस दौरान टेस्ट सीरीज में अपना तीसरा बेहतरीन शतक जड़ा। रोहित ने अपना ये बेहतरीन शतक 130 गेंदों में पूरा किया और शतक के दौरान 13 चौके और 4 छक्के लगाए। रोहित और रहाणे ने मिलकर चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाकर भारत को संकट से उभारा। इस बीच में रोहित ने अपने टेस्ट करियर के शानदार फॉर्म से गुजरते हुए अपना 6वां टेस्ट शतक पूरा कर लिया। इस शतक को रोहित ने छक्के के साथ पूरा किया। ये रोहित का इस सीरीज में कुल 17 शतक है। इस शतक से रोहित ने इस सीरीज में अपने 400 रन भी पूरे कर लिए। इधर भारत कप्तान विराट कोहली ने भी रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा रोहित शर्मा को टेस्ट में ओपनिंग करते देखता हूं तो लगता है कि अब किसी भी परिस्थिति में ये दिग्गज भारतीय के लिए रन बना सकता है। उन्होंने जिस अंदाज में इस क्रिकेटर पर बल्लेबाजी की वो वाकई शानदार है।